सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल बढ़ेंगे। दोस्तों मेरा नाम है शहबाज़ और आप देख रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्स्ट एडिट आप मतलब कैसे कर सकते हो गाइस। टेक्स्ट मतलब गाइस 3D टेक्स्ट आप कैसे लगा सकते हो अपने इफेक्ट में, वह भी लाइक डुओ के फर जैसा। बस गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना और गई हो सके तो शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मेरे पास जो है कि नॉर्मल क्लिप है काइनमास्ट में, जो सबसे पहले आपको आ जाना है। मेरे पास जो है कि नॉर्मल क्लिप है आप देख सकते हो। सो गाइस आप मेरे पास नॉर्मल क्लिप है तो मुझे क्या बनाना, जैसे मैंने यहाँ बंदे को घर से मारा तो मैं इस पोजीशन पर जो है इसे रोकूंगा, इस पोजीशन पर जो मैं इसे रोकूंगा। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसे कट कर दूंगा। इस पोजीशन पर रोकने के बाद आपको क्या करना है, इसका कैप्चर है फटैक से चलिए लेकर आ जाए। इसे लगा करने के बाद आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है। मैंने ऑलरेडी आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड कैसे डिलीट हो सकता है, आप जो है बड़े आसानी से कर लोगे। अब चलिए इसका गाइस जल्दी से बैकग्राउंड में डिलीट कर लेता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे 2 में सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, अपना पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। तो चलिए पिक्सल लैब दे देना है गाइस 6 दे देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट में सेव करने के बाद नोट वीडियो एडिटर ओपन कर लेना है दोबारा से। गाइस नोट भी ओपन होने के बाद न्यू पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है, फ्लैक्स आइकन क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, इमेज पर जाना है। इमेज पर जैसे जाओगे गाइस ये वाली इमेज जो आपको लेकर आनी है, क्या करना है, लाइट कन्वर्ट टू पर जाना है, लाइट साइबर पर चले जाना है। अब लाइट साइबर पर आप जैसे जाओगे गाइस आपको क्या करना है, अपने इस वाली इस पर क्लिक करना है गाइस, अपने करेक्टर की जो मतलब गए PNG है उसे जो है रिमूव कर देना है यहाँ से। मतलब जो आपके करेक्टर की PNG है उसे यहाँ से डिलीट नहीं करना गाइस, इसे क्या करना है, तो इसे आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का कलर दे देना है थोड़ा सा जो कर देते हैं। बस गाइस इतना जो है आपको देना है, आपके करेक्टर की जो इमेज उसे रूट कर देते हैं, पहले रूट करने वाले लाइट साइबर पर जाना है, उसे क्लियर कर देना है। प्ले करने के बाद ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इस तरह का होने के बाद आपको क्या करना है, आपका करेक्टर की जो PNG है उसे उठा करके करना है लाइट साइबर पर लाना है। नहीं गाइस आपको इमेज को क्या करना है, उठाकर अपनी लाइट पर लेकर आना है, यहाँ लेकर ले जाना है। लेकर आने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है 60 FPS करके गाइस। सिक्सटी करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट में बहुत टाइम लेता तो चलिए गाइस। अब आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसे बैक कर देना, बैक करने के बाद एक न्यू रेशियो ले लेना। न्यू रेशियो लेने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चर वाली इमेज लेकर आनी है। कैप्चर वाली इमेज लेकर आने के बाद अब आपको क्या करना है, गाइस मीडिया पर जाना है और गाइस आपको जो 3D टेक्स्ट लेकर आना है। तो चलिए मैं लेकर आता हूँ गाइस 3D टेक्स्ट पर, तो मैं लिखूँगा एडिट गाइस, तो मैं एडिट लिखूँगा, तो मैं EODIT लेकर आऊँगा गाइस। ई हमारा ये रहा और डी ढूंढ देगा गाइस, अब डी भी गाइस नहीं की होगा, डी रहा गाइस ये, अब आई ढूंढेंगे गाइस, आई रहा गाइस ये एडिट, अब ढूंढेंगे गाइस टी। अब टी हो सकता है गाइस, या तो एडिट जी कर देंगे अगर टी नहीं मिला तो, हमें अगर टी मिल चुका है। अब आपको क्या करना गाइस, यहाँ से इस वाली जो टी है इसे जो है रिवर्स कर देना है यहाँ से, तो ये रिवर्स हो रहा है गाइस, ये रिवर्स हो चुका है गाइस, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब गाइस ये रिवर्स होने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद इसे जो है क्रोमा की कर देते हैं गाइस। क्रोमा की करने के बाद आपको क्या करना है, इस लेयर को कैप्चर के पास लेकर चले जाना है गाइस। क्या हो रहा है, इस कैप्चर को लेयर के पास ले आने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, आपको ये TA से डिलीट कर देना है। आई को क्या करना है, आई की भी क्लियर लेनी है, इसे भी ऐसी क्रोमा की कर देते हैं। अब जैसे ही इसे क्रोमा की करेंगे गाइस, क्रोमा की होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है इस वाले को भी जो है यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अभी इन दोनों को यहाँ हो चुका है तो इसे जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब डी पर क्लिक करना है गाइस,
डी पर क्लिक करते हैं, डी की एक लेयर ले लेते हैं, डी की लेयर लेने के बाद इसे क्या करना है, इसे भी ऐसी क्रोमा की कर देना है, इसे भी जो है कुछ इस तरीके से हेल करेगा ना, तो डी को भी कर देते हैं डिलीट। अब ई की भी एक लेयर लेनी है, बाकी जल्दी जल्दी मैं ऐसा कर देता हूँ इसी से, तो इसे भी लेगा तो इसे कर देते हैं डिलीट। सो कुछ इस तरह गाइस हमारा ई जो है वो नहीं आ रहा है, तो ई को हम क्या करेंगे यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे, ई को जो है अब दोबारा एक्सपोर्ट करके जो है हम लेकर आएंगे। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, सो पहले हमें डी को क्या करना है, एंड वाले कर जाना है, थोड़ा सा सीधा करना है इसे, एंड वाले कर जाना है। आई को क्या करना है गाइस, पहले टी को गाइस जो है हम साइड से लेकर जाएंगे गाइस, तो आई को जो है हमें लेकर आना है, आई को जो है कुछ इस तरीके से हमें बीच में रखना है, तो टी को जो है गाइस टी को जो है कुछ इस तरीके से रखना है। अब ऐसा करने के बाद अब क्या करना है गाइस, यहाँ से पहले इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको ई लेकर आना है, क्योंकि गाइस हमारा ई नहीं आ रहा था, न्यू रेशियो बनाएंगे, न्यू रेशियो लेने के बाद एक्सपोर्ट वाली वीडियो को लाएंगे, एक्सपोर्ट वाली वीडियो को जैसे आप लाएंगे गाइस, तो अब आपको क्या करना है गाइस मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपोर्ट वाली वीडियो को जैसे आप लेकर आओगे तो आपको जो है ई लेकर आना है गाइस, मीडिया में चले जाना है, मीडिया में आने के बाद ई लेकर आना है। अब गाइस इसे क्या करना है, ई को ई पर क्लिक करते हैं, अरे ई पर क्या हो गया गाइस, चलो वीडियो गाइस देख सकते हो हमारा ई जो है सही तरीके से जो है एडिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है गाइस, कुछ लेयर पर क्लिक करना है, वो पैक लेकर आना है गाइस, चलिए वो रहा गाइस ये। अब इसे क्या करना है कुछ इस तरीके, पहले इसे एस्टिमेटिंग होने देते हैं, वरना ये आएगा नहीं गाइस अगर एस्टिमेट इसे नहीं करेंगे तो। अब गाइस जैसे ही एस्टिमेट होगा क्या करना है, ये सब फुल स्क्रीन कर देना है, फुल स्क्रीन करने के बाद पहले से यहाँ तक इसे कट कर देना है, पहले यहाँ तक इसे कट कर देना है, कट करने के बाद दोबारा इसे लेकर आना है, वो अपनी कैप्चर इमेज के बराबर कर देना है इसे। अब करने के बाद क्या करना है, ब्लेंडिंग पर जाना है, इसे हार्ड लाइट कर देना है, हार्ड लाइट करने के बाद इसे कुछ इस तरीके का जो है आपको बना देना है। अब आपको क्या करना है गाइस, आपको अब क्या करना है गाइस, आपको जो है कैप्चर जो आपने इरेज करा था वो जो है वो आपको लेकर आनी है, इरेज वाली ऑप्शन वो रहा गाइस ये। अब इसे क्या करना है, अपने करेक्टर के हिसाब से जो है लगाना है, मतलब जितना आपको करेक्टर इतना जो इसे लगा देना, थोड़ा बड़ा करके इसे भी जो है इसके बराबर जो है कर देना। अब इसे इसके बराबर हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, इस पर जो है आपको वही नोट वीडियो वाली जो है लेकर आनी है, आपने नोट वीडियो में जो एक्सपोर्ट करी थी वो रही गाइस ये, इसे भी कुछ इसके बराबर ही बड़ा कर देना है। तो इसके बाद बड़ा होने के बाद इसे कुछ बड़ा करना है, इसे ब्लेंडिंग पर जाकर स्क्रीन जो है यहाँ पर इसे कर देते हैं, स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से आप अपने अपने करेक्टर के ऊपर इसे ओवरलेस कर देना है। ओवरलेस करना गाइस अपने करेक्टर पर इसे ध्यान से अच्छे तरीके से जो इसे ओवरलेस कर देना है बिल्कुल, तो कुछ इस तरीके का ये ओवरलेस हो जाता है। तो आपको अब क्या करना है, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, वही वाली जो अपने पहले बहुत पहले एडिट करी थी आपको वो लेकर आ जाने गाइस यहाँ पर, जो कि आपने कैप्चर ऊपर चुन लिया था गाइस वो जो है वो आपको लेकर आना है इस वीडियो में। अब आपको क्या करना है गाइस, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, जो आपने एक्सपोर्ट करी है वो जो है वो आपको यहाँ पर लेकर आनी होगी, बीच में जो निशान है इस पर हमें एक मतलब गाइस एक वो देना है, स्पीड वर्ब दे देना है, स्पीड वर्ब आपको दिख रहा होगा गाइस एक यहाँ पर गियर रहा गाइस, आप ये भी दे सकते हो वर्ब या फिर स्पीड टर्न भी दे सकते हो, स्पीड टर्न दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं गाइस प्रीव्यू, सो गाइस आप देख सकते हो एडिट जो है हमारा किसी तरीके से नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो है आप इसे मैंने कुछ जल्दी में बनाया तो इसलिए है गाइस, सो आप जो बना सकते हो गाइस अच्छे तरीके से गाइस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना, मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, चलो गाइस।